साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ गई हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी मैंने। बहुत ऐसे समय पर डिसीजन लिया है कि आप लोग को शायद सभी लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ऐसी फैसिलिटी भी है कि आप बाद में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई खास परेशानी मुझे नहीं लगती कि आप लोगों को होनी चाहिए। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि आप हमें सुन नहीं पा रहे? आप हमें सुन पा रहे? मेरा माइक ऑन तो है शायद। जी बताएं, जो भी ऑनलाइन है मेरी आवाज़ सुन पा रहे? चलिए तो अभी मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से। पिछली बार जो मैंने वीडियो आप लोगों को दी थी, उसमें ये बताया था कि किस प्रकार से हमारे भारतीय जो शास्त्र हैं, इनमें इनकी चर्चा मिलती है। आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना था, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी साथी थे जिन्हें लगा कि आपने एक चीज़ केवल गलत बोल दी, बाकी तो ठीक था। और वो गलती मैंने क्या करी थी इनके अनुसार? वो गलती हमने ये कर दी थी कि हनुमान जी को हमने मनुष्य कर दिया था। हमने ये कह दिया ये वानर, ये बंदर नहीं थे, बंदर को वानर वन्नर कर दिया था, जिससे कुछ लोगों को थोड़ा संदेह हुआ, और ये संदेह होना स्वाभाविक भी है। देखिए हमारे देश में क्या रही कि हिंदू शास्त्रों को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, हम लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाया नहीं गया। अब देखिए जैसे मेरा नाम आप सभी जानते हैं, अर्चना दुबे। ये दुबे का क्या मतलब है? ये कौन सी जाति है? ये अपभ्रंश है। दुबे का शुद्ध है द्विवेदी, द्विवेदी, द्वि का मतलब दो, वेद का मतलब आप जानते ही हैं। तो क्या हुआ कि जब हमारे भारत पर बाकी देशों के आक्रमण हुए, तो उन्होंने पहला टारगेट किया कि इनकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दो। आप जितना इनके सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर देंगे, उतना ये बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे शास्त्रों को, वेदों को जलाना शुरू किया, नष्ट करना शुरू किया। इसमें सबसे बड़ा खतरा हमारे वेदों को ही था, क्योंकि उसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ था। तो जो और गुरु वगैरह जो होते थे, उनको ये बंधक बना करके मारते पीटते थे, परेशान करते थे, शिक्षा नहीं देने देते थे। तो जो कुछ हमारे गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे ये शास्त्र वगैरह थे, वेद थे, अपने कुछ शिष्यों में इसको बांटने का विचार किया। बोला आप ऐसा करिए कि कुछ ग्रुप तैयार हो जाइए, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे थे उनको इन्होंने अलग किया, और उनको चारों वेदों को याद करने के लिए होमवर्क दे दिया कि आप लोग चारों वेद को याद करके आना। जो थोड़े कम कुशाग्र थे उनसे, उनको तीन वेद दे दिया, किसी को दो वेद दे दिया, किसी को एक दे दिया, किसी को छोटे छोटे वेद और वेद के अलावा उपनिषद दे दिया, पुराण दे दिया। तो जो चारों वेद को कंठस्थ कर चुके स्टूडेंट, उनको नाम दिया गया, एक अलग उनका ग्रुप बना दिया कि ये चतुर्वेदी हैं, इन्हें चारों वेदों को का पूरा ज्ञान हो चुका है, इन्हें कंठस्थ है, तो वो चतुर्वेदी कहलाए। ऐसे ग्रुप जिन्हें केवल तीन वेद ही याद थे, उनको त्रिवेदी कहा गया। जिनको दो वेद याद थे, कंठस्थ थे, वो द्विवेदी कहलाए। इसके बाद जो थोड़े थोड़े एक वेद याद हुआ, पुराण याद हुआ, थोड़ा सा उपनिषद याद हुआ, तो उनको हमने थोड़ी निम्न जातियों, उपाध्याय है, इस तरीके के चीज़ों में कई ग्रुप बने, उसमें हमने बांट दिया। अब देखिए मेरा नाम, मैंने कहा कि द्विवेदी दुबे, यानी दो वेदों के ज्ञाता, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन वो पीछे पूंछ के रूप में चलाया। अभी मैं वेदों का अध्ययन करूंगी, क्योंकि अगर मैंने सोचा है कि मेरा नाम अगर ये है, तो उसको सार्थक करना होगा, वेदों का अध्ययन और उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी किया नहीं है, अवेलेबल है, और उसको मैं ज़रूर करूंगी। तो इस तरीके से जातियां बनती थी उसी आधार पर। तो ये वानर जो जाति थी, जो हमारे विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे, वो पढ़ते होंगे, एप एज था, कपि, कपि वंश था, वानर वंश था। ये आपके साइंस में मिलता है, अध्यात्म तो छोड़ दीजिए, उसमें भी मिलता है। ये सारी प्रजातियां थी जिनका शरीर बहुत ही बलिष्ठ हुआ करता था, बड़े मजबूत हुआ करते थे,
और उसके साथ ही इनका जो मुंह था वो थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ था और इनके लंबी पूंछ हुआ करती थी। ये मनुष्य थे, जंगली प्रजातियां थी, रीछ जाति, कच्छप जाति, कूर्म जाति, आज भी आप कूर्मी शब्द सुनते होंगे, कूर्म, ये सब जंगली प्रजातियां थी उस समय की, जो उस समुद्र के किनारे किनारे रहती थी, मत्स्य था, तो ये जातियां हुआ करती थी। उसी में से कपि और वानर भी था, और जिसका वर्णन आप देखते हैं, आपने कहा हनुमान जी में, हनुमान जी के लंका कांड का आपने उदाहरण दिया है कि जब ये लंका गए थे तो वहां इनकी पूंछ में आग लगाई गई थी, तो जब ये बंदर थे नहीं तो पूंछ कैसी, तो ये बंदर नहीं थे, ये वनर ही थे। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि ये कपि जाति के थे, विकल हो सी तय कपि के मारे, ये लंका कांड की वो चौपाई है जब लंकिनी, अभी आपने दूरदर्शन में रामायण देखा होगा कि जब लंकिनी पर हनुमान जी मारते हैं तो वो कहती है कि अब तो उद्धार हो गया, अब तो लंका का नष्ट होना बिल्कुल निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो इन्होंने पूछा कैसे, तो बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सु निश्चर संघारे, कि जब तुम्हें कोई कपि जाति वाला व्यक्ति मारेगा तो समझ लेना कि तुम्हारा, तुम्हारे असुरों का संहार निश्चित हो गया। तो कपि जाति का वर्णन वहां भी मिलता है। ये एक्चुअली ये जो जाति थी कपि वाली, ये 9 लाख वर्ष पूर्व, यस 9 लाख वर्ष पूर्व हमारे भारत वर्ष में हुआ करती थी। और ये इनका शरीर आज के जो समय के मनुष्य हैं उनकी तुलना में काफी लंबा होता था, चौड़ा होता था, और इनकी बुद्धि और शक्ति इसके लिए बहुत फेमस थे। इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती थी, बहुत तेज होती थी, और दूसरे इनका जो है बुद्धि तेज होने के कारण ही, उसके साथ ही इनकी शारीरिक शक्ति बड़ी मजबूत होती थी। तो ये विशेष प्रकार की प्रजाति थी उस समय, जो लगभग 12 से 15 हजार वर्ष पूर्व पूरी तरीके से नष्ट होने लग गई थी, और अभी ये अपने भारत वर्ष में नहीं मिलती। खाली जो बाली द्वीप है, आपने नाम सुना होगा, मैंने इसको नोट कर लिया था कि कहीं से भी आपको दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगी। तो आज भी बाली द्वीप में कहीं कहीं पूंछ वाले जंगली मनुष्यों का अस्तित्व है। ये बात और है कि उनकी जो पूंछ है वो मात्र 6 इंच है, बहुत बड़ी अभी नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई पूंछ की बात। आज भी अगर हम देखें तो उसके अवशेष मिलते हैं। देखिए, समय के साथ साथ आधुनिकीकरण हो जाता है, जिन चीजों का उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं उपयोग के बिना। तो अब आप ये जरा सा देखें कि हमारी आंखों में एक झिल्ली चढ़ी होती थी, क्योंकि हम पानी में बाहर भी हर जगह रहते थे, तो कहीं हमारी आंखों में परेशानी ना हो, तो जैसे मछली की आंख में होता है वैसे मनुष्यों की आंख में भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हुआ करती थी, अभी अवशेषी अंग है वो आंख में, यहाँ पर कोने सिकुड़ करके एक छोटी सी वो लाल रंग के कोने में कन्वर्ट हो गई है। पहले क्या करते थे, पानी में जाते वो खिंच जाती थी, तो आंख खोल के पानी में हम चल सकते थे। दूसरा, हम पहले घास फूस खाते थे तो उसकी वजह से क्या होता था, उसका पाचन हमारे अपेंडिक्स में होता था, क्योंकि जंगल में वही चीजें मिलती थी। अभी हम घास फूस नहीं खाते, तो अब क्या हो गया कि वो अपेंडिक्स अवशेषी अंग हो गया, बाद में धीरे धीरे उसका भी पता नहीं चलेगा। तीसरा, पूंछ की अगर बात करी जाए तो आज भी कभी कभी कुछ छोटे बच्चों में जब वो पैदा होते हैं तो उनमें छोटी सी पूंछ आपको दिखती है। उसको भी अगर आप नहीं माने तो आज भी आप ये मानिए कि जो रीढ़ की हड्डी का अंतिम वाला हड्डी है सबसे आखिरी में, उसको हम आज भी टेल बोन कहते हैं। टेल तो खत्म हो गई, पूंछ खत्म हो गई, क्योंकि उसका कोई अभी हमारे पास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। तो ये आप मत कहिए, आज भी आज के आधुनिक भारतवर्ष में जहां देखिए इंटरनेट, फेसबुक और क्या क्या चीजें आ गई, कि आज मैं बगैर एक थोड़े से आवाहन पर, आधे घंटे पहले के आवाहन पे ही आप कितने सारे लोग हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी नासिक के पास एक के क्षेत्रों में आदिवासी की एक ऐसी प्रजाति है जो इन सबसे बिल्कुल दूर है, जानती ही नहीं क्या है। एक हमने सुना था, एक हमारे सर थे यहाँ पे छतनाग में, उन्होंने कोर्स किया था एक्यूप्रेशर का, तो उन्होंने एक बार ऐसी अपनी चीजें शेयर करी कि मैडम एक बार मैं अंडमान निकोबार की एक आदिवासी इलाके में चला गया था, मैडम
मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ ये जान करके कि आज भी वहां लोग बगैर कपड़े के रहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें कोई संकोच नहीं, कोई हिच नहीं, आज भी वैसे ही रहते हैं। शरीर पर बाल हुआ करते थे, जिसकी वजह से वाल्मीकि ने लोमश इनको बोला, पुच्छधारी बोला, तो ऐसे मिलता है वर्णन। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो और इसे बहस का विषय मत बनाएं। आप इसको सोचिए कि अगर बोला हुआ है तो कहीं ना कहीं से ये कुछ न कुछ प्रमाण तो होगा, उसके आधार पे ही बोला गया होगा, क्योंकि कपोल कल्पित चीजें मुझे सुनने का और बोलने का उतना पसंद नहीं आता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साथियों जिसका हमें ज्ञान नहीं है, है लेकिन ज्ञान नहीं है, क्योंकि हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ाए गए, सब जला दिए गए, नष्ट हो गए। और अभी हमारे ऊपर अंग्रेजियत कैसा भूत सवार है, इतनी ज्यादा उसकी हम चपेट में हैं कि अगर हमारे सामने आज संस्कृत का श्लोक आ जाए तो हम उसकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, हम उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। इसलिए अब आपको जब वानर की बात आई, हनुमान जी की बात आई, सुग्रीव वगैरह सब उसी में आगे इंक्लूडेड हो गए। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, आपको आश्चर्य होगा, उसका मैं प्रूफ भी दे दूंगी कि आगे से ऐसा आप मत सोचिएगा कि जो आपने नहीं सुना है वो नहीं है। हनुमान जी अविवाहित थे, ऐसा आप सबको पता है ना? कितने लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी विवाहित थे? आप में सारे लोग तुरंत सोचे, अच्छा वो आप मकर ध्वज की बात कर रही हैं, पुत्र तो था, पत्नी थोड़ी थी उनकी। नहीं, मैं उनके पत्नी की बात कर रही हूं कि हनुमान जी शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी। फिर बहस का मुद्दा आ गया ना? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूं कि आप लड़ने झगड़ने के लिए ऐसा करिए, ये प्रमाण है। पाराशर संहिता में हनुमान जी के विवाहित होने का संकेत मिलता है। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला था। अब ये कहां से आ गई सुवर्चला? तो हनुमान जी को पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक था, पढ़ाने का तो कम, पढ़ने का ज्यादा था। तो उनको नौ विद्याएं जाननी थी, तो वो गए अपने गुरु, उन्होंने बनाया सूर्यदेव को। तो सूर्यदेव से उन्होंने प्रार्थना करी कि हमें आप नौ विद्याओं का ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दे देंगे। राजी तो हो गए, लेकिन पढ़ाई करने के दौरान उनको याद आया कि पांच विद्याएं जो हैं वो तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जो उसमें से चार विद्या है उसके लिए तो विवाहित होना जरूरी है, क्योंकि अविवाहित को मैं उसको दे ही नहीं सकता, या तो आप पांच विद्या लेकर के फुर्सत हो जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, चाहिए तो हमें पूरा ही, तो पूरा चाहिए तो उसके लिए शादी होनी जरूरी है। अब क्या हो, ये शादी को तैयार नहीं थे, बोले हम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। बोला ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करेंगे तो फिर ये नहीं होगा, आप शादी करिए, ब्रह्मचर्य में रहिए, लेकिन शादी तो कर सकते हैं। तो बोला फिर ठीक है, करा दीजिए। तो सूर्य के तेज से पुत्री का जन्म होता है, उनका नाम सुवर्चला था। तो उससे उन्होंने विधिवत शादी करी। शादी करने के बाद वो चार विद्याएं ग्रहण करी, उसके बाद उनके साथ वो रहे नहीं थे। उन्होंने, सूर्यदेव ने कहा भी था कि ये हमारे तेज से प्रकट हुई है, ये सांसारिक बंधन में रहेगी भी नहीं, ये काम होते ही आपके ये आपसे दूर हो जाएगी, और ये तपस्या, ये जंगलों में जाके फिर से वैसे तपस्या रत हो जाएगी, तो आप उसकी टेंशन ना लें, केवल आपको शादी करनी है। तो ये इस तरीके से शादी का वर्णन मिलता है। अब आप अगर इसको चाहें तो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना जो है आपका, वहां का एक खम्मम जिला है, वहां पे सुवर्चला हनुमान मंदिर आज भी है। और मैं जब पढ़ रही थी तो प्रमाण के लिए मैंने ये गूगल पे डाल दिया कि देखो इसका क्या होता है, कुछ आएगा क्या, और सच में वो फोटो मिली हमें हनुमान जी की और उनके बगल में सुवर्चला की। तो सुवर्चला हनुमान मंदिर आज की डेट में भी आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी नहीं है तो हमें जानकारी नहीं है, जो थोड़ी बहुत चीजें पढ़ाई गई हैं वो अधूरा ज्ञान होने की वजह से हम इस तरीके की बात नहीं करते हैं। आप इसको समझिए, सोचिए और विचार करिए, इसको पुष्ट करने के दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी और बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा कि कहाँ से कहाँ और कैसे कैसे हो गया। एनीवे, अब मैं इसको समाप्त करती हूँ, देखती हूँ आज मैं, हाँ ये बताने वाली हूँ, एक्यूप्रेशर की बात हो रही थी, मैं आ गई आध्यात्मिक पे, हनुमान जी और रामायण कहाँ चला गया। मेरा विषय तो एक्यूप्रेशर है, सत्संग प्रवचन है नहीं,
उसकी बात आई थी केवल किसी उसके प्रसंग में, तो बात वहां से वहां चलते चलते और खिसक के यहाँ पहुंच गई। मैं उस पर बात नहीं करूंगी ज्यादा। एक्यूप्रेशर की बात चल रही थी कि वेदों में, शास्त्र में यहाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, तो उसी पर मैंने ये बात बोल दी थी। तो शब्दों को एज इट इज नहीं मिल सकेगा रामायण में, एक्यूप्रेशर शब्द नहीं मिलेगा क्योंकि इंग्लिश का है, मर्म मिलेगा। तो अब आइए बात ये करते हैं कि ये एक्यूप्रेशर जब भारत की है तो इसको हम चाइनीज एक्यूप्रेशर क्यों कहते हैं, भला चाइना क्यों गया? तो देखिए, चाइना का और भारत का बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। जो चीन का रेशम था, जिसको कीटज और पट्टज हिंदी में कहा जाता था क्योंकि कीटों से होता था, तो कीटज और पट्टज नाम से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि चीन का रेशम का कपड़ा भारत में बड़ा प्रसिद्ध था। आज भी साउथ की तरफ, साउथ इंडिया में आपके रेशम का बड़ा प्रचलन है, लेकिन वो जो रेशम का कपड़ा है वो चाइना का थोड़े ही है, वो तो अपने यहाँ बनता है। लेकिन प्राचीन समय में चाइना भारत में अपने इन्हीं कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और हमारे शास्त्रों का अध्ययन करने का इनको बड़ा रुचि हुआ करती थी, तो इनका आना जाना व्यापारिक ये सब संबंध था यहाँ पे। अच्छा, अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है आप कहेंगे, तो चीनी शब्द का प्रयोग चीन का और इनके कपड़ों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे ये कपड़े आए, तो ये महाभारत में मैंने बताया कि 18 पर्व हैं, जिनमें से जो एक भीष्म पर्व है उसका 23 से 40वां अध्याय तो भगवद्गीता है। इसका एक अध्याय है सभा पर्व। सभा पर्व में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा। तो राजसूय यज्ञ में एक श्लोक आता, श्लोक मैं यहाँ आज नहीं पढ़ूंगी, तो वो जो श्लोक है उसमें ये वर्णन मिलता है कि उस राजसूय यज्ञ में वहां जितने लोग उपस्थित थे यज्ञ के लिए, चीन के लोग उनके लिए वहां से कपड़े ले आए थे उपहार स्वरूप भेंट देने के लिए, तो इसका वर्णन वहां पर मिलता है। फिर वहां पर महाभारत के ही आपके भीष्म पर्व में जो उनके विजातियों की सूची है उनमें भी चीन शब्द का प्रयोग किया है, चीन के निवासियों का उल्लेख वहां पर आता है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीनांशुक शब्द आता है। उसके बाद कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हाँ, चीन वाले लोग हमारे भारत देश में रेशम का उद्योग करते थे। बाकी भी चीजें थी लेकिन इसके लिए शास्त्रों में जो मुझे मिलता वो मैं बताती हूँ, जो नहीं पढ़ा है अभी तक, जो नहीं है उस पर मैं बात करती भी नहीं हूँ। अगर आपके पास नॉलेज आप मुझे बताते हैं तो मैं उसको मान भी लेती हूँ, तो ये ध्यान रहे। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत में और चीन में ये संबंध स्थापित कर दिया। अब ये सवाल आपका आ रहा है कि ये भारतीय पद्धति वहां गई कैसे, यहां वाले वहां ले गए या वहां वाले यहां आए थे, दोनों ही है, यहां से वहां भी गई थी वहां से यहां भी आई थी, कैसे? तो इसके बारे में कहावत है कि बहुत पहले चीन देश के निवासियों ने स्वप्न में एक सोने का पुरुष देखा जिसको बुद्ध कहा गया, सोने के बुद्ध, और उनको ये भी संकेत मिला कि भारत से, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, तो भारत से धर्म ग्रंथ और धर्मरक्ष नाम के और काश्यप मातंग नाम के दो विद्वानों को सिलेक्ट किया गया कि आप चाइना जाइए। तो वो अपने धर्म ग्रंथों को लेकर के, जो भी अपने लिटरेचर थे उनको सिखाने के लिए, श्वेत अश्व पर, सफेद रंग के घोड़े पर वहां जाते हैं, और इसीलिए वहां पर एक श्वेत अश्व विहार नाम का भी जिक्र मिलता है उनके ग्रंथों में, चीजों में, उसको बहुत मानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे धर्म ग्रंथ वहां गए और वहां वो पढ़े गए और अपनाए गए। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब वहां देखा गया तो चीन ने फिर से बोला वहां के विद्वानों को कि कौन विद्वान थे, फाहियान और युआन च्यांग, ये दो विद्वान थे जिनको कहा गया कि अब आप भारत जाइए, भारत जा करके वहां के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, बौद्ध धर्म से संबंधित सारी शिक्षाएं ग्रहण करिए,
देखिए क्या है कैसा है, वहाँ की संस्कृति से आप परिचित होइए और फिर आप वापस आइएगा, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार होता है। तो अपने चूंकि धर्म ग्रंथों में ही एक्यूप्रेशर का इतिहास मिलता है, तो इस तरीके से वहाँ पर ये विधा पहुँच गई। और अभी भी ऐसा मुझे कल मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, मुझे अभी नहीं पता है कि ये चीन के अलावा आपके यूरोपियन देशों में भी बहुत ज़्यादा प्रचारित है, आपके अमेरिका में, इन सब जगहों पे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार अभी है। तो भारत से चीन ये विधा कैसे पहुंची वो मैंने आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अब मैं आऊंगी इसके विशेष मुद्दे पर कि ये जो एक्यूप्रेशर है ये कहाँ काम करता है और कैसे काम करता होगा। कहाँ काम करता है का मतलब कि हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसकी जानकारी। तो देखिए, हमारा जो शरीर है वो चेतन है, चल फिर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, सारी इसमें शक्तियां हैं। तो ये कैसे हैं, क्यों हम चैतन्यता है, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण है, सोल जिसे कहते हैं, आत्मा है, जिसे शास्त्रों में पुरुष कहा गया। पुरुष माने मैन नहीं, पुरुष माने आत्मा, चैतन्य। तो उसकी चर्चा मिलती है। तो जब हमारे इन प्राण शक्तियों में कहीं से भी अवरोध आ जाता है, कहीं से कोई रुकावट आ जाती है, तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है। कहीं किसी किसी मार्ग में ये शक्ति ज्यादा बढ़ गई तो वहां पता चला फटन, दर्द, जलन, सूजन, ये सारी चीजें हो गई। और कहीं आवश्यकता से कम हो गई तो वहां सुन्नपन, ठंडापन, इस तरीके की बीमारियां आती है। तो जिसे हम बोलते हैं कि एक्यूप्रेशर के उपचार में शरीर की ऊर्जा, जो शारीरिक ऊर्जा है, उसका संतुलन स्थापित करके उपचार किया जाता है। यानी बैलेंस करना, जैसे एक तराजू है और उस तराजू में आपके एक तरफ कुछ और चीजें रखी, एक तरफ कुछ और, जब तक वो इम्बैलेंस है, ऊपर नीचे है, तब तक आप वो सामान लेके घर नहीं आते। आपको इम्बैलेंस नहीं पसंद है तो आप उससे कहते हैं पहले आप इसको बैलेंस करिए। तो कैसे बैलेंस करता है, सब्जी की मात्रा बढ़ाता है या जो दूसरी तरफ का है उसको कम करता है। तो इस तरीके से दोनों बराबर, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब आप सोच लेते हैं कि हाँ अब ये चीज सही है। तो आप सही स्वस्थ कैसे हैं, जब आपकी प्राण शक्ति बिल्कुल सही सही चल रही है। अब ये जो प्राण शक्ति चल रही है, कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, इसी का पूरा ज्ञान एक्यूप्रेशर के अंदर में समाहित है। और इन सब का भी वर्णन हर जगह मिलता है। एक्यूप्रेशर का पूरा जो सिद्धांत है वो दो चीजों पर ज्यादा आपको मिलता है। पहला है आपका पंच तत्व सिद्धांत, फाइव एलिमेंट थ्योरी। इसके बारे में भी रामचरितमानस में लिखा है और भी उपनिषद में लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, कि आपका जो अधम शरीर है इसमें ये पंच तत्व होते हैं, इन्हीं पंच तत्वों में कमी और अधिकता से हम बीमार होते हैं। जैसे आप देखें, बाहर की पहले बात कर लेते हैं, तब उससे अगर अंदर बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ब्रह्मांड की पहले बात करेंगे फिर शरीर की। तो जैसा ब्रह्मांड में है वही शरीर में है, ऐसा भी हर जगह मिलता है। यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो क्या ब्रह्मांड में है, क्षितिज है, क्षितिजल पावक गगन समीरा सभी हैं, पानी है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सारे पांचों तत्व है ना। तो अब देखिए, अगर अग्नि ज्यादा हो जाए, अभी गर्मी आ रही, अग्नि ज्यादा हो जाए तो भी आपका शरीर बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। और दूसरा मौसम ठंडक देख लीजिए, उसमें गर्मी है ही नहीं, उसमें भी आपकी बुरी हालत हो जाती। तो ऐसे ही अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा, अग्नि की मात्रा बढ़ जाए या अग्नि की मात्रा बिल्कुल घट जाए, शरीर के अंदर के स्थित जो अग्नि है उसकी बात कर रही हूँ, तो उससे फिर आपको बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे ही पानी है, अगर पानी बढ़ने लगे बाहर तो बाढ़ आ जाती है, पूरे के पूरे देश के कई जिले और ये इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो
तो पानी जो जीवन है, जो हमारे सृष्टि का आधार है, सब कुछ है, वही पानी अब आपके लिए काल नजर आता है। कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं, डूब जाते हैं, बह जाते हैं, उनका सारा नष्ट हो जाता है। और वही पानी आए ही ना, आपके घर में एक दिन ना आए तो आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वैसे ही अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए तो आप बीमार हो जाएंगे, पानी की मात्रा कम हो जाए तो बीमार हो जाएंगे। आधी से ज्यादा जो हमारे शरीर की बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन से हैं। हम जाने अनजाने इनमें असंतुलन करते ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, पानी भी पीना है तो कितना पीना है, कितना नहीं पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, किस प्रकार से पीना चाहिए। अगर केवल इतना मात्र कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की दवाओं का सेवन करना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे आप देख सकते हैं, वायु है, वायु अभी चलनी बंद हो जाए, जीवन रक्षक है वो, हमारी जीवन दायिनी है, आपको मुश्किल हो जाएगी, आपके शरीर में प्राण का प्रवाह रुक जाए, मौत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़्यादा सर्कुलेशन होने लग गया, वो भी प्रॉब्लम है। तो हमारे शरीर में इन पांच तत्वों का अस्तित्व है, इन्हीं के कम से और अधिकता से शरीर में बीमारियां हुआ करती हैं। दूसरे इसमें ऊर्जा प्रवाह की बात करी गई है। कहा ऊर्जा प्रवाह क्या है, तो ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा आपके शरीर में बनती है, कैसे बनती है वो, अच्छा ऊर्जा की कमी कैसे हो जाती है और ये बढ़ कैसे जाती है। तो ऊर्जा की कमी जो है, देखिए ऊर्जा बनती कैसे होगी, आपने बिजली, प्राण शक्ति, करंट सुना होगा ना, तो आप बताइए कि जो बिजली हम घरों में यूज करते हैं वो कैसे बनती है। पानी से बिजली बनती, ऐसा सुना होगा आपने कि पानी को बड़ी तेज गति से घुमाया जाता है और वो करंट में कन्वर्ट हो जाता है। आप स्कूटर चलाते हैं, इस गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें क्या डालते हैं, करंट तो नहीं डालते, तेल डालते हैं, वो तेल क्या करता है, उससे करंट जनरेट होता है और घूमता रहता है, उसका इंजन कस के उसी से वो कन्वर्ट हो जाता है करंट में और आपकी गाड़ी चलती रहती है। कभी कभी तेल होता है और अगर उसका तार लूज हो जाए, करंट ना पहुंचे, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक इसी तरीके से आपका जो ये शरीर है, भौतिक शरीर, इसमें भी यही व्यवस्था है। आप खाना खाते हैं, ईंधन डालते हैं ना, जैसे स्कूटर में पानी भी पीते हैं, तो वो सारी हमारी चीजें शरीर में जाके करंट में बनती हैं, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब बाहर तो आपको अंदाजा होता है कि कितना डालना है तेल, कैसा डालना है, किस प्रकार से, उसका तो ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने आहार पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जिस दिन आपने आहार में कुछ कमी ज्यादा कर ली तो आपका जो ऊर्जा प्रवाह है उसमें आपके व्यतिक्रम आने लगता है और आप बीमार हो जाते हैं। तो आज मैंने आपसे बात करी है कि किस प्रकार से, शायद टाइम हो गया होगा, जी समय हो रहा है, तो इस मैं ये बताना चाह रही थी आज कि किस प्रकार से आपका भारत देश का जो ये एक्यूप्रेशर का पूरा ज्ञान था कैसे चीन में गया था और इसके बाद किस प्रकार से एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, कैसे ये हमारे शरीर पर काम करता है। आज बस ये इंट्रोडक्टरी है मित्रों, मुझे आने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ, और अचानक से डिसीजन भी हो जाता है। तो अभी चूंकि मैं आपके लिए स्टडी कर रही हूँ, जब कोई चीज स्टडी आप करते हैं ना तो उसके बाद ही कोई चीज निकलती है और मिलती है। अधूरा ज्ञान या अधकचरा ज्ञान मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास में थोड़े कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो बड़े गहरे हैं, शेयर नहीं कर सकती मैं आपसे अभी, तो उन पर भी मैं काम करती रहती हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ बात करने में मुझे थोड़ी सी लेट हो जाती है, लेकिन कोशिश करूँगी कि इसका एक फिक्स शेड्यूल बना दूँ ताकि आपको रोज कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, कम से कम लॉकडाउन है इसका फ़ायदा आपको भी मिले। तो ये आशा करती हूँ कि मैं दे पाऊंगी। अभी मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ कि अगर आपको कुछ कहना हो
कुछ पूछना हो या कोई विषय के बारे में बात करना हो कि आप अच्छा हमसे इस विषय पे बात कर लिया करिए, तो आज कमेंट में आप हमें लिख दीजिए। अगर अभी बताने लायक होगी एक दो सेंटेंस में तो मैं अभी बता देती हूँ, और अगर कुछ ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आगे की क्लासेस में उसको कवर करूँ देखूँ, तो आप इसमें लिख के छोड़ दीजिए। मैं कमेंट जब देखूँगी, मुझे लगेगा कि हाँ इस पर हमें बात और करनी है, तो मैं आपको बता दूँगी। कोई सवाल है आपका, अगर किसी का है तो आप टाइप कर दीजिए, अभी मुझे कमेंट में दिख जाएगा, मैं देख के आपको रिप्लाई कर देती हूँ। जी टाइम क्लॉक के बारे में बता दीजिए। हाँ वो मैं ज़रूर बताऊंगी, और टाइम क्लॉक में आरती जी हैं, आरती जैन, मैं वो तो बताऊंगी ही, साथ में ये भी बताऊंगी आपको कि खाना क्या चाहिए किस टाइम पर, एक क्लास शाटिका पेशेंट के लिए। हाँ ये तो आप योगेश जी हैं, योगेश जी स्वागत है आपका। मैं इस विषय ये आपके सब्जेक्ट जो बता रहे हैं ना, इन पर भी मैं आने वाली हूँ, एक एक बीमारियों पे भी लूंगी। बीमारियां अनंत हैं, इसलिए कितना हो पाएगा नहीं कह सकती, लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कमेंट में आप छोड़ देंगे ना तो वो मैं देखती रहूंगी और उसके हिसाब से मैं बना करके आपको दे दूंगी। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी। येलो एम्परर की क्या स्टोरी है? येलो एम्परर की स्टोरी आप लोग जानते होंगे, मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहती, बस ये समझ लीजिए कैसे वहां से वहां गया। वहां ये सम्राट थे, जैसे अपने यहाँ अकबर और बीरबल हुआ करते हैं, इनका संवाद है, वैसे ही वहां पर ये जो अपनी बुक लिखी गई एक्यूप्रेशर पे, वहां तो वहां के सम्राट थे येलो एम्परर। अभी इस पर भी हमें देखना है, मैंने कहा ना मैं जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं कर लेती नहीं बोलती। मैंने सुना है कि ये एनीमिक थे, इनकी बॉडी येलोइश थी, इसीलिए इनको येलो एम्परर पीत सम्राट कहा गया था। लेकिन अभी आप इसको बहुत वो मत लीजिए, पहले मैं इस पर स्टडी पूरी जब तक नहीं करती कि ये कहाँ लिखा है कैसे लिखा है, सुनी सुनाई बातों पे मैं बिलीव नहीं करती और ना तो कोई ऐसी बातें आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो जब ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी तो मैं येलो एम्परर की पूरी कहानी आपके सामने लेकर जरूर प्रस्तुत करूंगी जी। अच्छा है आप लोगों ने वेरिकोज पर भी, हाँ वेरिकोज भी आजकल की बड़ी गंभीर समस्या है, इस पर जरूर बात करनी चाहिए, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इस समय ये समय जो चल रहा है ना कोरोना से संबंधित, इसमें जो हमारे पुलिस भाई हैं, बहने हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये दिन रात जो खड़े होकर के सेवा कर रहे हैं, इस समय इनको ये परेशानियाँ बहुत तंग कर रही होंगी, तो उस पर बात करूंगी जी। बिंदिया जी ने लिखा है आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा का वर्णन है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है, ऐसा सोराइसिस पर जी बिल्कुल, ये जितनी बीमारियां आप बता रहे हैं ये सारे पर आप कमेंट करते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कोई छोटे मोटे प्रश्न हो तो आप कर लें, अदरवाइज मैं क्या करूंगी कि इन पर बाद में विचार कर लूंगी, क्योंकि अभी तुरंत एक तो मैंने शॉर्ट टाइम में आपको नोटिस भेजा, उसके बावजूद भी आपकी इतनी संख्या देख करके अच्छा लग रहा है। आइंदा मैं इतनी जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लूंगी, आज तो हो गया बस जल्दीबाजी में, लगा भी टाइम है तो कर दो। नेक्स्ट से मैं आपको एक दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन पूरी दे दूंगी। आपने लिखा आयुर्वेद भी अच्छा, उससे डायग्नोस करते हैं कैसे, हमने बताया पंचतत्व। आपका सवाल है कि आयुर्वेद में जो वातपित्त कफ है इससे डायग्नोस कैसे करते हैं। ये वातपित्त कफ पंचतत्व का एडवांस फॉर्म है। कैसे? आकाश और वायु ये जो दो मिलते हैं तो ये दो मिल करके बनते हैं आपके वात। जल और अग्नि ये मिलती है तो बनता है पित्त, और पृथ्वी और जल ये दोनों मिलते हैं तो बनता है कफ। तो जब सिंगल सिंगल डिस्टर्ब होता है तो भी रोग होता है, डबल डबल होता है तो भी होता है। तो डबल हुआ तो वात पित्त कफ, सिंगल हुआ तो फाइव एलिमेंट, इसी दोनों का ये वो है। और तीसरे भी होते हैं, कभी कभी वात और पित्त दोनों मिलकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी वात पित्त कफ तीनों ही मिल जाते हैं, जिसको सन्निपातज यानी बहुत ही कठिन रोगों की श्रेणी में रखा गया है। आप जानना चाहते हैं बैक पेन के बारे में? हाँ ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, और अगर कोशिश करूंगी तो पहले इसी पे बता दूं। एक क्लास कोरोना पर विभूति जी,
विभूति जी, मैंने कोरोना पर वैसे एक वीडियो बना के डाली है यूट्यूब पर, आप मेरे नाम से जाएंगी अर्चना दुबे करके, क्यूप्रेशर बाई अर्चना दुबे, तो वहां पर आपको कोरोना की डिटेल मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको वहां से कोई मैटर लगता है कि और जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि किसी दिन इसे लाइव पर आपको कोरोना के बारे में भी बता दूं। इसके बारे में भी काम चल रहा है, कुछ पेशेंट हैं, अभी मैं बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूं कि क्या है कैसा है, जैसे ही कुछ होगा तो इसके बारे में भी मैं फिर पूरी अच्छी तरीके से आपके लिए एक क्लास लेकर जरूर आऊंगी। डायग्नोसिस पर क्लास करिए बिल्कुल, लेकिन डायग्नोसिस से पहले आपको मैं ABCD सिखा लूं, उसके बाद अगर मैं बताऊंगी कि ये कैट है ये डॉग है तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा कैट का मतलब CAT होता है। अभी आपको CAT नहीं पता तो पहले मैं CAT बता देती हूँ, उसके बाद जब मैं शब्दों का प्रयोग करूंगी तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। हाँ, ये सारी बीमारियों के नाम ही है, रेटिना पिगमेंटोसा हाइपोथायरॉइड हाइपरथायरॉइड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने ये कमेंट किया, बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज्यादा सबसे अच्छी बात, हमें खुशी की बात ये लग रही है कि इतने कम समय में, आधे घंटे में मैंने आपका आह्वान किया और आप सब मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ जुड़ गए। बहुत अच्छी संख्या दिख रही है मुझे, 123+64 लिखा हुआ है, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आप लोगों के कमेंट भी मैं देख रही हूँ, मैं इस पर बिल्कुल पूरा पूरा आपका ध्यान रखूंगी। मैम आपकी बुक प्लीज, कौन सी बुक की बात कर रही हैं आप? बुक देखिए तब लिखी जाती है, बुक लिखने के दो प्रकार हैं। पहले मैं समझती थी कि बुक लिखना बहुत आसान है, बहुत कठिन है शुरू में, कितना पढ़ते होंगे लोग, कितना ज्यादा करते होंगे। फिर मैंने जब कुछ किताबें पढ़ी तो लगा कि लेखक बनना बड़ा आसान है। आप चार किताबें ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी को बुरा लग सकता है, बड़े लोगों की हमने बुक्स पढ़ी हैं, इसमें फॉरेन राइटर्स भी हैं। एक बुक आप कोई भी पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई भी दूसरी उठाएंगे तो वो सब कॉपी और पेस्ट है। एक उठा लिया आपको लगेगा बस इसको उठाया वहां डाल दिया, वहां से उठाया वहां डाल दिया। तो मुझे लगा कि राइटर बनना बहुत आसान है। फिर उसके बाद जब मैं खेमका सर की बुक देख रही थी, जब इन सर की बुक्स आई तब लगा कि राइटर बनना बेहद कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि सर जितने भी पॉइंट्स लिखते थे, क्योंकि मैं तो साक्षी रही, गवाह रही उनके एक एक पल की, तो मैंने देखा कि वो जो भी पॉइंट लिखते थे उससे पहले उसको ट्रायल पे लगाते थे, जब तक वो कम से कम 1000 रोगियों पर सिद्ध नहीं करते थे तब तक वो कोई भी पॉइंट कोई भी प्रोटोकॉल आपके समक्ष नहीं रखते थे। कि पता चला आज उन्होंने कहीं से पढ़ा किसी बुक में कि ये होता है और उन्होंने बस लिख दिया, नहीं। तो मैं इसकी गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी, दृश्य देखा है। तो बुक भी आएगी, जरूर आएगी, कब आएगी ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो ये पुस्तकें आएंगी। क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करती हूँ आगे भी आप इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अभी मैं इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, आगे मुझे जब भी आना होगा तो मैं समय से, जो भी समय पे आऊंगी उसके एक दिन दो दिन पहले ही डिसाइड करके पूरा फाइनल करके अब की बार मैं डाल ही दूंगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव। ओके, नमस्कार।